नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज का ये वीडियो बहुत खास है, सचमुच खास है, क्योंकि इस मदर्स डे आपकी मदर को मैं और आप दोनों मिलकर विश करेंगे। कैसे ये आगे बताऊंगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। जिसने अक्षर अक्षर मुझे लिखा, मेरी क्या हैसियत कि मैं उस पर कुछ लिख पाऊं। फिर भी मैं कोशिश करता रहा, मां पर कविताएं लिखता रहा और आप मेरी वो कविताएं सारेगामा पा और इंडियन आइडल पर सुनते सराहते रहे। आज मैं आपके साथ बांटूंगा माँ पर लिखी मेरी वो 10 कविताएं जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरे शब्दों में अपनी माँ की झलक भी मिल जाएगी, क्योंकि मेरी हो या आपकी, माँ ज्यादा अलग तो हो नहीं सकती। जो कविता आपकी आंखें भिगो दे, वो अपनी माँ के साथ जरूर बांटें, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर लिखें, कविता क्रमांक के साथ, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठवीं, कौन सी कविता आप अपनी माँ के लिए पढ़ना चाहते हैं। मैं उस कविता का टेक्स्ट सीधा आपको भेजूंगा और आप उसका वीडियो बनाकर अपनी माँ को भेजेंगे। हो सके तो सोशल मीडिया पर भी शेयर करें अपनी आवाज में, अपने चेहरे के साथ, और मुझे टैग करें। मैं आपके वीडियोस रीट्वीट और शेयर करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देख पाएं, अपनी मां के लिए आपके प्यार भरे शब्द दूर दूर तक सुने जाएं। लोग तारीफें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वो सब है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल दिखा दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, तूने सिखा दिया। एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, माँ यही कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया, जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सिनेमा जाना पसंद नहीं, कांच तो सुहागन का श्रृंगार है, चांदी की चूड़ियां क्या करूंगी, संदूक में सैकड़ों भरी हैं और साड़ियां क्या करूंगी। वो उतना ही मुस्कराई जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने मां बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई, आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं कि मां को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया, सच तो ये है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी मां करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि मां को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। मां, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूं, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तू समझ रही है ना। वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहां से लाएगी। मैं बताता हूं, कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो,
उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशय्या पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा, बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। मैं एक आम सा लड़का हूं, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी मां को कौन समझाए। मेरी तारीफ यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूरत हूं। मेरे माथे पर काजल का टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफी है, मैं अपनी मां का राजा बेटा हूं, बस यही काफी है। बड़ी भोली है मां, पूरी दुनिया में कहती फिर रही है सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। अब उसे कौन बताए कि मैंने तो बहुत पहले बुलंदियों के पायदान छू लिए थे। जब पहली बार उसने मुझे बाहों में लेके उछाला था, मैंने तो उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो भी ये फिल्मी बातें, किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे हैं, वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं, वही हाथ जो मेरी नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं, मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिनमें सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, मां के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। जो हर वक्त आस पास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता, मां के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसके नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था कि मां जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो, उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? मां भी कभी लड़की थी दोस्त, और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है, जाओ, तुम्हारी मां से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज ही बताओ। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी मां के एहसान चुका दूं, दिखा कोई रास्ता। खुदा जोर से हंसा और बोला, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए। शायद तुमने सुना नहीं, मां के एक आंसू का मोल चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। बहुत मसरूफ हो तुम, समझता हूं, घर दफ्तर कारोबार और थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार, जिंदगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचने का वक्त कहां है कि मां आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफी के गाने, जो करना है आज करो,
कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था।